सो हेलो टू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियोस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे ला सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अपने सर्च लिस्ट में कैसे ला सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को अगर चैनल को फर्स्ट लिस्ट में लाना है, आप लोग को अगर सर्च करते हैं तो चैनल सर्च में नहीं आता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो चैनल का नेम है वो ऐसा यूनिक रखना है जो कि कोई और क्रिएटर ना रखे, जो कि बड़ा क्रिएटर हो आपसे भी। जैसे अगर कोई बड़ा क्रिएटर है, अगर उसी के नाम कभी आप भी सेम नाम रख दिए तो उनका वीडियो आएगा लेकिन आपका वीडियो लास्ट में आएगा या फिर आएगा ही नहीं। इसलिए चैनल को ऐसा रखिए जो कि आपको यूनिक हो कुछ। चलिए हम अपना पहले चैनल दिखाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिसे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम अपना डाटा एक बार ऑन कर लेंगे। डाटा ऑन नहीं था, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जैसे हम अपना देखिए नाम सर्च करते हैं, यहाँ पर हमारा चैनल का नाम है अनुज राज। तो यहाँ पर हम सर्च किए अनुज राज। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में हमारा चैनल आ रहा है, क्योंकि हमारा सबसे हट के लोगों हमारा सबसे हट के चैनल है। उसके बाद आता है जैसे देख सकते हो, उसके बाद आता है तो और भी नीचे आता है, लेकिन हमारा सबसे पहले आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपका भी चैनल सर्च में आएगा। तो आप लोग कैसे ला सकते हैं, उसकी वजह है सबसे पहले कि आप अपने चैनल का नाम यूनिक सा रखें, और दूसरा रीज़न है जो कि आपको सर्च में लाना ही है। तो उसके लिए आज के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा सर्च लाने के लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम अपना क्रोम एप्लीकेशन ऑन कर लिए। क्रोम एप्लीकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें सर्च करना होगा byte studio.com। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं byte studio। यहाँ पे सिर्फ byte studio सर्च कर लीजिएगा आप लोग। byte studio सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे हमें byte studio वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। byte studio वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार का लोडिंग ले रहा है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके लिए ऊपर में देख सकते हैं अगर आपको डेस्कटॉप मोड में नहीं खुला है तो डेस्कटॉप मोड में खोले जाए। डेस्कटॉप मोड में खोलने के लिए ऊपर से सिंपली से देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है। 3 डॉट वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिए, उसके बाद डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है। तो डेस्कटॉप वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद सबसे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम जूम करके आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए सबसे नीचे यहाँ पे साइड में हमारा एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। देख सकते हैं हम जूम किए हैं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, आप लोग को मोबाइल में छोटा दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से जूम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चैनल का ऑप्शन आ रहा है। तो चैनल वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। चैनल वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जैसे देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे बेसिक इन्फो आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इंटर कॉमा एक्सपेक्टेड वैल्यूज। यहाँ पे कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो कीवर्ड वाला में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कीवर्ड ऐड करना होगा जिससे कि हमारा चैनल सर्च में जा सके। तो यहाँ पे हम अपना चैनल का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम अपना चैनल का नाम डाल देते हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम अपना चैनल का नाम डाल दिए। इसी तरह प्रकार से नाम डाल के बस कॉमा करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से करते जाना है। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कीवर्ड लगा सकते हैं जो कि आपके वीडियो से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं। जैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेक से रिलेटेड अगर हमारा ये वीडियो है, तो यहाँ पे हम टेक से रिलेटेड यहाँ पे हम टेक लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक वीडियो। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा अपना YouTube चैनल पे टेक वीडियो सर्च करता है तो इससे ज़्यादा चांस है कि आपका भी चैनल आ सकता है, या फिर ये अगर सर्च करेगा आपका नाम सर्च करेगा तो आ सकता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर हैं क्रिएटर, उनका भी यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं जो कि अगर उनका नाम सर्च किया गया तो आपका भी चैनल नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम अगर सर्च कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल, यहाँ पर टेक्निकल लिख देते हैं, टेक्निकल वीडियो लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आप टैग लगा लीजिएगा। यहाँ पर हम वीडियो लिख देते हैं वायरल वीडियो, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अपना नाम एक बार और लिख देते हैं, अनुज राज की जगह अनुज आर ए जे लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से बंदे बहुत तरह के सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से टैग लगा दिए। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो सर्च में आएगा, और इससे ये होगा कि अगर कोई भी बंदा आपका सर्च करता है तो अब आना ही आना है। तो इसी प्रकार से आप भी इस प्रकार से कीवर्ड लगा लीजिएगा। कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में, ये देखिए यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं एक प्रकार के, ये देखिए यहाँ
पे देख सकते हैं नीचे में सेव का ऑप्शन आ रहा साइड में, तो सेव वाले ऑप्शन पे आप लोग सिंपली से क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ गया सेटअप कंप्लीटेड, कुछ इस प्रकार से नीचे दिखा दिया सेटअप सेव्ड, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाया। तो इसी प्रकार से आप सेव कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं सेव हो गया। अब इस प्रकार से सेव करके आप लोग अपने वीडियो को चैनल को सर्च में ला सकते हैं इसी प्रकार से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।